हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एमडी टेक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही अच्छी जो अभी अभी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, वो है हम अपने घर पर रहकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट करा सकते हैं, किस तरीके से लिंक करा सकते हैं। तो ये जो काम है अभी अभी गवर्नमेंट ने 20 तारीख को हाल ही में इसका अनाउंस किया था। ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ये वर्क दिया है, जहाँ भी जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से किस तरीके से लिंक करा सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने घर पर रहकर बहुत ही कम समय में अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार से लिंक करा सकते हैं। और कहीं भी इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी CSC केंद्र या किसी आधार सेंटर पर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से ही सिर्फ इसको कुछ मिनट में अपॉइंटमेंट अपना लेके और इसको बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से आपको अपना आधार नंबर लिंक करने के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो बस जल्दी से जल्द पहुंच सके। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा आपको तो किस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है और बहुत ही आसानी के साथ अपना आधार नंबर से लिंक करा सकते हैं मोबाइल नंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वो लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आएगा। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया आएगा। आपको इस ऐड को क्रॉस कर देना है और आप देखें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल पेज हमारे सामने ओपन है। इस पर तरह तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ से आधार नंबर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है, मोबाइल नंबर लगाने के लिए, इस पर लिंक कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो हमें डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। उस पेज में हमें देखने को मिलेगा हम क्या क्या ये इसमें फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग @ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आप इसे रीड भी कर सकते हैं और आपको किसी इन सारे ऑप्शंस को रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कैश विड्रॉल बैलेंस का यानी मिनी अकाउंट। आप इसमें अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार। जी गाइस, यही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार। यही बता रहा है आपको कि आप इसमें अपने डोर स्टेप मतलब अपने दरवाजे पे अपने घर पे मोबाइल नंबर आधार नंबर में अपडेट करा सकते हैं। डोर स्टेप टाइमलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नीचे टोल फ्री नंबर है इसका, ये कॉल सेंटर का। आपको यहाँ पे दो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, एक 1552999 और एक 1800180798080। या तो आप फिर इस पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप बता सकते हैं अपना एड्रेस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और एरिया पिन कोड बता के आप अपना यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे दिखाया है सर्विस डिलीवरी आवर्स, द रिक्वेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑफ मैक्सिमम 4T+2 मतलब 2 घंटे से 10 घंटे में। कस्टमर कैन पिक टाइम स्लॉट और डिलीवरी फॉर सर्विस बिटवीन, आप कौन सा टाइम 11 से 4 बजे का रहेगा। तो आप इस पे कॉल इन दो नंबरों पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से दो जो भी उसमें व्यक्ति काम करता है वो आपके घर पे आएगा एड्रेस पे बताए हुए और आपके आधार से मोबाइल नंबर बहुत ही कम समय में अपडेट कर देगा। और गाइस ये बिल्कुल फ्री नहीं है,
आपको इसका कुछ पेमेंट पे करना होता है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस चार्ज में आप देखेंगे एप्लीकेबल फॉर्म 1 अगस्त 2021 से ये अप्लाई होगा। अभी अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से इसका अलाउंस हुआ है, बट अभी ये चालू नहीं हुआ है। ये एप्लीकेबल फॉर्म 1 अगस्त आप इसको कर पाएंगे। और इसका जो चार्ज होगा वो आपको चार्ज पे करना होगा 20 रुपीज़। जी गाइस, आपको 20 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। और आपका जो नियर बाय इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होगा वो आपके डोर स्टेप मतलब घर पे आएगा, और आने के बाद आपके मोबाइल नंबर से आधार नंबर को बहुत ही कम समय में 20 रुपीज़ के चार्ज लेके आपका जो मोबाइल नंबर है आधार नंबर से लिंक करके चला जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे रहकर अपने मोबाइल नंबर के में सॉरी अपने आधार नंबर में मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं बहुत ही कम समय में। और अगर इसकी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके और भी रीड कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो अपना मोबाइल नंबर है आधार से लिंक करा सकते हैं। तो तब तक के लिए